नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई एस न्यूज। अमराबाद में गणेश महोत्सव के अंतर्गत शहर के अनेक स्थानों पर कार्यक्रम हुए आयोजित। शहर के नवाबपुरा स्थित राधा कृष्ण पंचायती मंदिर में गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ आयोजित। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गणेश भगवान की भक्ति में सरोवर दिखाई दी। इधर अमराबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अवंतिका कॉलोनी स्थित छात्रावास में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्र की मौत। छात्रावास के बाथरूम में शावर से छात्र कपिल देव सिंह का लटकता मिला शव। मौके पर पहुंची थाना सिविल लाइन की पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर बिलारी नगर के मोहल्ला स्थित शिव मंदिर पर चल रहे गणेश महोत्सव के चौथे दिन विशेष कार्यक्रम हुए आयोजित। कार्यक्रम में राधा कृष्ण की झांकी ने दी सुंदर प्रस्तुति। राधा कृष्ण की झांकी की प्रस्तुति ने सभी भक्तों का मोहमन और सभी भक्त नृत्य करने पर हुए मजबूर। इस दौरान मंदिर परिसर में जयकारों से गूंजने लगा। इधर मोरबाद के रामगंगा विहार स्थित MIT कॉलेज में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक एवं विज्ञान शिक्षा हेतु एक दिवसीय कार्यशाला हुई आयोजित। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने पहुंचकर सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को दी बधाई। कार्यक्रम में मोरबाद के माध्यमिक विद्यालय के साथ पब्लिक स्कूलों के शिक्षक विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर किया प्रतिभाग। इधर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश की जिला व महानगर इकाई के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बैंकों पर व्यापारियों का उत्पीड़न किए जाने का लगाया आरोप। बैंकों के उत्पीड़न से व्यापारियों को बचाने की लगाई गुहार। इधर मोरबाद के सिविल लाइन स्थित मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में NCC भर्ती कार्यक्रम आयोजित। UP 9 NCC गर्ल्स बटालियन की ओर से छात्राओं का लिया गया टेस्ट। NCC में छात्राएं दिखा रही हैं अपनी सहभागिता, योग्यता के आधार पर NCC में होगा सिलेक्शन। इधर समाजवादी छात्र सभा की जिला इकाई ने छात्राओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक एवं पब्लिक स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कलेक्टर पर किया प्रदर्शन। राज्यपाल को संबोधित, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। इधर थाना पाकवाड़ा के गाँव उमरी सब्जीपुर में दहेज को लेकर विवाहिता की बिजली का करंट लगाकर करी गई हत्या। ससुराल पक्ष फरार। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की शुरू। इधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी में वैक्सीनेशन कराने पहुंचे लोगों की लंबी लगी लाइन। अस्पताल में फैली अव्यवस्था। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हरिचंद्र ने बताया वैक्सीनेशन देरी से शुरू होने के कारण लगी भीड़ अब स्थिति है सामान्य। अमराबाद के सिविल लाइन स्थित बोनियानी पब्लिक स्कूल के पास गिरा पेड़, रोड हुआ जाम। स्कूल के पास पेड़ गिरने की वजह से यातायात में आई समस्या। ट्रैफिक पुलिस को हुई परेशानी। मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम ने पेड़ को रोड से हटाने के लिए किया कार्य शुरू। इधर अमराबाद में प्राइमरी स्कूल सरकार के आदेश के बाद खुले। बच्चों की शिक्षा सुरक्षा पर रखी गई नज़र। शहर के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या 70 से 80% पहुंची। स्कूल में COVID-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए स्कूल कर रहे हैं काम। स्कूल पहुंचने पर बच्चे बोले सुरक्षित है विद्यालय। दिल्ली रोड स्थित न्यू डेल्स मॉन्टेसरी स्कूल में बच्चों को सुरक्षा देने के साथ COVID-19 गाइडलाइन का किया जा रहा है पालन। इधर बिलारी क्षेत्र के ग्राम रुस्तमपुर खास में हुई सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र हुए गंभीर रूप से घायल। घायल पिता पुत्र को एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया। इधर बिलारी में नगर के स्टेशन रोड स्थित ब्रजरतन बैंकट हॉल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ आयोजित। प्रबुद्ध सम्मेलन में बुद्धिजीवी लोग रहे मौजूद। सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। इधर थाना मझोला अंतर्गत ग्राम भोगपुर मिठौनी के नागरिकों ने चकबंदी विभाग द्वारा किसानों के लिए छोड़े गए आम रास्ते को जबरदस्ती बलपूर्वक बंद करने से रोकने की मांग को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। दीवार एसोसिएशन लाइब्रेरी के अध्यक्ष व सचिव से की शिकायत। इधर पशुपालन विभाग में वैक्सीनेटर सहायकों ने मानदेय नियमितीकरण एवं बीमा की मांग को लेकर कलेक्टर पे किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री को संबोधित, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा 2 वर्ष से कार्य करने के बावजूद भी इन्हें नहीं किया गया है नियमित, नहीं दी जा रही है सरकारी कर्मचारियों की भांति सुविधाएं। इधर अमराबाद के अगवानपुर नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 में टूटी सड़कें और गंदगी के कारण स्थानीय नागरिकों को हो रही है परेशानी। स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर स्थानीय सभासद पर लगाया लापरवाही का आरोप। इधर मुरादाबाद की अंजलि सिंह ने कुश्ती खेल के क्षेत्र में शहर मुरादाबाद का नाम किया रोशन। अलीगढ़ में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में अंजलि ने किया बेहतर प्रदर्शन, सिल्वर मेडल लेकर किया नाम रोशन। मुरादाबाद लौटने पर अंजलि सिंह ने चैनल से की बातचीत, कहा सुविधाओं की है कमी। इधर बिजनौर में बबली पुत्री ऋषिपाल सिंह निवासी सर्वोदय कॉलोनी निकट रेलवे स्टेशन जनपद बिजनौर का शव रेलवे स्टेशन के पास बरामद हुआ था, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर शीघ्र अनावरण हेतु टीमें गठित की गई। शलम माथो पुलिस उप महानिरीक्षक मुरवा रेंज मुरवा द्वारा घटनास्थल का किया निरीक्षण। मृतका के परिजनों से मिलकर उन्हें दी सांत्वना।
इधर डीआईजी माथुर गोयल क्राइम रोकने के लिए कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं, ऐसी अधिकारियों की योगी सरकार में जरूरत है। बालिका को मिशन शक्ति फेज 3 के तहत किया जागरूक, महिला और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों उनके उत्पीड़न के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेज 3 के तहत डीआईजी शलभ माथुर और पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला बीट पुलिस अधिकारी के साथ थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं व बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 3 बाजार कॉलेज कोचिंग संस्थान अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराए जाने, महिला और बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी अभद्रता अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियां इत्यादि को घटनाओं को रोकने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने यूपी 112 नंबर वुमेन पावर लाइन 1090, यूपी कॉप ऐप 181, महिला हेल्पलाइन 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन 102, स्वास्थ्य सेवा 108, एम्बुलेंस सेवा के बारे में जानकारी दी गई। जनपद में गठित एंटी रोमियो स्क्वाड टीम के बारे में अवगत कराया गया। कार्यक्रम में अन्य अहम जानकारी भी दी गई।